अबे भाई झंडा दिख रहा है नॉर्थ कोरिया का यहाँ से। नॉर्थ कोरिया हेलो निहाओ, ये फेंसिंग है नॉर्थ कोरिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हम चल रहे हैं। वहाँ जाने के लिए मुझे 7 बार रशिया के अंदर जाना पड़ेगा, फिर रशिया से एग्जिट करना पड़ेगा। ये रोड देख रहे हो, पकड़ के थोड़ा सा आगे आएंगे 5-7 किलोमीटर बाद पहली बार हम रशिया में घुसेंगे, फिर तकरीबन 1 किलोमीटर रशिया में ड्राइव करेंगे, फिर एग्जिट करेंगे, फिर घुसेंगे, फिर एग्जिट करेंगे। देखिए रशिया का फ्लैग भी इधर पे, सारे रशियन आ रहे जा रहे हैं देख सकते हो। नॉर्थ कोरिया भाई, लिटरली नॉर्थ कोरिया के सामने खड़ा हुआ हूँ मैं। व्लादिवोस्तोक का मेरा टाइम चल रहा है भाई, और अभी मैं हूँ चाइना में। ये देख सकते हो, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है रशिया, और हम खड़े हैं चाइना में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ, इसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। लिटरली ये जगह को मैं 4 से 5 साल पहले, जब मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट भी नहीं किया था, सर्च किया था एक बार। मतलब इतनी यूनिक और इतनी अलग जगह है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप ब्रेव हो, अकेले घूमते हो, लेकिन भाई वो सब नॉर्मल जगह है। ये जो जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अलग जगह है। मैं आप लोगों को थोड़ा इस जगह के बारे में बता दूं। इस वक्त मैं हूँ चाइना में, और मेरे से इस तरफ 3 किलोमीटर नॉर्थ कोरिया है और 4 किलोमीटर इस तरफ रशिया है, और दोनों कंट्रियों के बीच में मैं इस तरफ मौजूद हूँ। और देख सकते हो ये मेरी होटल है, और ये होटल में देख सकते हो अब हर जगह आप लोगों को रशियन देखने मिलेगी। देखिए हर बोर्ड वगैरह पे हर जगह आप लोगों को रशियन देखने मिलेगी। और आप लोगों ने वो शहर का नाम सुना होगा व्लादिवोस्तोक, वो बस यहीं पे पास में ही है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये जगह की भाई इन्फॉर्मेशन मेरे पास कुछ भी नहीं थी। मतलब ना कोई हिंदी ब्लॉगर, ना कोई इंग्लिश ब्लॉगर, ब्लॉगर और वीडियोस तो छोड़ी, यहाँ का नॉर्मल वीडियो नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि भाई ये जगह होगी कैसे। मैं जो चीज़ मैं सोचा था 4 साल 5 साल पहले, मैं देखिए मैप का बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मैं मैप फ्री टाइम में अपने मैप देखते रहता हूँ, और अजीब अजीब जगह को देखते रहता हूँ कि यहाँ आ सकते हैं कि नहीं, यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मैं थोड़ा सर्च किया और ट्राई किया, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है। तो सोचा भाई मैं अब चाइना में हूँ तो जाके देखते हैं, जो होगा देख लेंगे। तो मैं बीजिंग से मुझे यहाँ आने के लिए 3 ट्रेन चेंज करना पड़ा, और अब यहाँ से मुझे वो जो पॉइंट पे जाना है जहाँ से तीनों कंट्री एक साथ दिखती है, उसके लिए मुझे टैक्सी लेना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर यहाँ से भी दूर है। तो हम ये टैक्सी बुक की है पूरी, अब देख सकते हो ये अंकल हमको लेके जाएंगे। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और आप देख सकते हो होटल की स्टार्टिंग में सब ये नॉर्थ कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये जो देख रहे हो ये सारा कुछ कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इधर रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये देखिए, और चाइनीज़। मतलब आप लोगों को यहाँ तीनों लैंग्वेज देखने मिलेगी, रशियन, कोरियन और चाइनीज़। तो चलते हैं यार, बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ। तो यार कर दिया हम हमारा सफ़र स्टार्ट, और यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए भाई, आप लोगों को रशियन झलक देखने मिलेगी। ये इतना मिक्स टाउन है ना, यहाँ पर इतने सारे कल्चर्स हैं ना, यहाँ पर कोरियन कल्चर है, यहाँ पर चाइनीज़ तो ऑफकोर्स रहेगी, और साथ में आप लोगों को रशियन कल्चर देखने मिलेगा, रशियन आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, नॉर्थ कोरियन आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, नॉर्थ कोरियन खाना देखने मिलेगा। तो बहुत ही यूनिक और अमेजिंग जगह है। हम इतना दूर रीजन में आए हुए हैं चाइना के, और लेकिन यहाँ का रोड वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और देखिए भाई, एक और रशियन बिल्डिंग देखने मिल रही है हमको, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग सफर होने वाला है यार। आप भी एक्साइटमेंट देख रहे हो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता यार, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ। ये इतनी अलग जगह है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, और मैं लिटरली मैं मैप का एडिक्ट हूँ भाई। मैं मेरा टाइम पास ही मैप है, सिर्फ मैं मैप देखते रहता हूँ। तो यार मैं ये जगह आज से 4-5 साल पहले बस ऐसा देखा था, मतलब यहाँ लोग रहते कैसे होंगे, यहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी होगी। मतलब वो टाइम पे जो नेट पे मुझे फोटो मिल रहा था ना गूगल पे, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रहा था, बहुत क्यूरियस था। और मैं मतलब बस सोचा था कि ये जगह कभी मैं देख पाऊंगा किसी का वीडियो, आज उस जगह पे मैं मौजूद हूँ। मतलब कसम से यकीन नहीं हो रहा, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो यहाँ से अभी 70 किलोमीटर हमको जाना है, और बीच में रुक के हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ की बिल्डिंग वगैरह आप देखिए यार, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी में आए हैं, कोई कंट्री की कोई बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी में आए हैं भाई। रोड वगैरह तो भाई चाइना में इतना परफेक्ट मिलता है ना कि क्या बताऊँ यार। ये देखिए, ओ भाई साहब हम ड्राइव कर रहे थे, ये देखिए क्या देखने मिला, मॉस्को जैसा है यार, क्या बात है यार, ये क्या चीज़ है भाई। आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कहीं और हो, ऐसा लग रहा है रशिया है, क्या बना के रखे हैं यार। तो हमको तो जाना था यार वो फंक्शन विलेज के पास में, लेकिन अंकल ने बोला मैं आपको रशिया लेके आता हूँ पहले। देख सकते हो मेरे सामने है रशिया, ये देखिए ये रशिया का बॉर्डर आ गया है, और आप देख सकते हो सारी दुकानें, देखिए रशिया का फ्लैग भी इधर पे, ये देखिए रशिया का फ्लैग, और रशिया। और हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे नाश्ता वगैरह, अगर कोई दुकान मिलती तो। अरे बाप रे बाप, बॉर्डर बाप रे, देख सकते हो सामने बॉर्डर है, देख सकते हो मेरे सामने है रशिया, और सारे रशियन आ रहे जा रहे हैं देख सकते हो, यही बिल्कुल बॉर्डर है। और हम शायद यहाँ जा रहे हैं नाश्ता करने की, देखते हैं कुछ खाने पीने मिलता है कि नहीं, सुबह ही सुबह का टाइम है भाई। और यहाँ देख सकते हो सारे रशियन यहाँ भी खड़े हुए हैं, पूरे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, ये ट्रक सारी खड़ी है रशिया जाने के लिए चाइना से। चलते हैं भाई यहाँ पर,
कुछ नाश्ता करते हैं, मेरी फट रही है वीडियो बनाने यहाँ पर। तो भाई हम पीछे गए थे, बहुत सारे रशियन रेस्टोरेंट्स है और बहुत सारी शॉप्स है। तो भाई ये देखिए, कोई ड्रिंक लिया हूँ रशिया की, शायद कोई जूस है यहाँ का। मैं पहले पूछ लिया भाई अल्कोहल तो नहीं है, तो यार वहाँ वीडियो बनाने मना कर दिया, बोले वीडियो मत बनाओ क्योंकि हम भाई वहाँ मिलिट्री वाले भी खड़े थे रशिया के, तो इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाया। आप में से भी कुछ लोग क्यूरियस होंगे भाई बॉर्डर और ये सब को लेकर, यार आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो होने वाली है। तो अभी हम थे रशिया के बॉर्डर के पास में, सामने वहाँ रशिया था और अभी हम रुके हैं यहाँ पर, देख सकते हो ये हमारी टैक्सी और इस तरफ है नॉर्थ कोरिया। भाई लिटरली नॉर्थ कोरिया के सामने खड़ा हुआ हूँ मैं आप लोगों को वाले पॉइंट भी लेके चलूंगा जहाँ रशिया नॉर्थ कोरिया दोनों एक साथ दिखता है, लेकिन रास्ते में जो दिखते जा रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ। और यहाँ की हरियाली, ग्रीनरी भाई जो लेवल पे है यार, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है अच्छा खासा ठंडा है, लेकिन एकदम ठंडी भी नहीं लग रही है। तो मेरे सामने देख सकते हो ये रिवर है और उस तरफ सारा नॉर्थ कोरिया आप देख सकते हो। क्या बात है यार, यहाँ से जा नहीं सकते भाई। यहाँ आने के लिए बॉर्डर चेक पोस्ट भी थी, तो मैं डर गया था क्योंकि भाई मेरे पास तो सिंगल एंट्री वीज़ा है, अगर चाइना एग्जिट करता तो एंट्री नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अंकल बोले ठीक है जा सकते हैं, तो टेंशन नहीं। और आप लोगों को एक और इतनी अमेजिंग, इतनी अलग चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम जहाँ जा रहे हैं फंक्शन विलेज में, वहाँ जाने के लिए मुझे 7 बार रशिया के अंदर जाना पड़ेगा, फिर रशिया से एग्जिट करना पड़ेगा। यही रोड देख रहे हो, ये पकड़ के थोड़ा सा आगे आएंगे 5-7 किलोमीटर बाद पहली बार हम रशिया में घुसेंगे, फिर तकरीबन 1 किलोमीटर रशिया में ड्राइव करेंगे, फिर एग्जिट करेंगे, फिर घुसेंगे, फिर एग्जिट करेंगे, फिर घुसेंगे। तो भाई 7 बार ऐसा जाना है आना है अकॉर्डिंग टू मैप भाई। तो देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, बिना वीजा के हम रशिया जाने वाले हैं भाई। तो चलेंगे हम, हमारा सफर कंटिन्यू करेंगे। और भाई भूख लगी है, ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं हूँ। देखिए क्या परफेक्ट है, ग्रीनरी परफेक्ट है, वेदर परफेक्ट है। चलते हैं हम, हमारा सफर कंटिन्यू करते हैं, रशिया जाते हैं, फिर चाइना जाते हैं, फिर रशिया, फिर चाइना, रशिया, फिर नॉर्थ कोरिया, बहुत सारी जगह आप लोगों को घुमाने वाले हैं। ये रही हमारी गाड़ी। तो यार हम थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये कुछ कोरियन में लिखा हुआ है, आप मुझे तो समझ में नहीं आएगा भाई, कोरियन रेस्टोरेंट वगैरह जैसा कुछ लग रहा है। और ये रेस्टोरेंट के बिल्कुल पीछे नदी है और सामने है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के पास हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और ये आसपास का सारा गांव देख रहे हैं। बाप रे बाप, मिलिट्री खड़ी है, मिलिट्री खड़ी है, मिलिट्री खड़ी है। यहाँ से वीडियो नहीं बना सकते हैं, अंदर चलते हैं चुपचाप, देखते हैं यहाँ क्या खाने मिलता है। ऐसा कुछ है रेस्टोरेंट, और मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि ये रेस्टोरेंट के पीछे नदी है, देख सकते हो यहाँ दूर पे आप लोगों को नदी देखने मिलेगी। और वो सारे जो पहाड़ पीछे दिख रहे हैं आपको, वो सारे कुछ है नॉर्थ कोरिया में भाई। तो देखते हैं यहाँ क्या खाने मिलेगा भाई। वेजिटेरियन ही खाएंगे हम भाई, यहाँ नॉन वेज तो खा नहीं सकते हैं। तो बोलते हैं वेजिटेरियन, ओके ओके, टू यू ऑल्सो, दो टू वन टू टू या हाँ। चिदान चौफान मंगा लिया हूँ, जो हमको बताए थे आप लोगों को याद होगा, अंसार भाई बताए थे हमको वुहान वाले वीडियो में कि भाई कहीं भी जाना चिदान चौफान ऑर्डर करना, एग फ्राइड राइस। तो यहाँ भी मैं एग फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया हूँ। आ गया है खाना और ये कुछ है एग फ्राइड राइस भाई, सादा सा चावल लग रहा है मुझे और अंडा लग रहा है, ठीक है ये खा सकते हैं। और ये कुछ सलाद जैसा कुछ दिए हैं, कुछ मसाला वगैरह भी है। तो यार वहाँ से खाना खा के निकल गए और हम लोग एकदम नॉर्थ कोरिया से लग के चल रहे हैं। आप देख सकते हैं सारी फेंसिंग हुई है, इसके पार ही नॉर्थ कोरिया, इसके पार नॉर्थ कोरिया नहीं, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ फेंस देख सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते हैं भाई। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, कहाँ वीडियो बनाना है कहाँ वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि भाई हर जगह आप लोगों को पुलिस देखने मिलेगी और हर जगह मिलिट्री वाले लोग खड़े हुए हैं। थोड़ा सा टेंशन है कि भाई कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। तो हम अपना सफर कंटिन्यू करेंगे फंगचून विलेज की तरफ। क्या बात है यार, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे पहुंच गए। देखिए लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी है यार, यहाँ पर क्या बात है। ये देखिए सामने ही है, यह है चाइना की चेक पोस्ट और फिर आ जाएगा नॉर्थ कोरिया है। लोग फोटो वगैरह भी खिंचा रहे हैं, देखिए कुछ टूरिस्ट है यहाँ पर, हम भी रुकेंगे भाई। तो ये है मेरी लोकेशन, ये चाइना है और ये है नॉर्थ कोरिया, बीच में एक नदी है और बीच में देख सकते हो एक ब्रिज बनाई गई है। ये सामने जो चेक पॉइंट देख रहे हैं, इसके बाद ब्रिज आप लोगों को देखने मिलेगी और उसके बाद डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया है भाई। क्या बात है यार, भाई परमिशन तो नहीं है यहाँ वीडियो बनाने की, लेकिन भाई मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया तो वीडियो बनाने मिल गया। ओके ओके, तो भाई यहाँ भी फोटो का सिलसिला, गुड गुड फोटो। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो थोड़े टूरिस्ट भी आप लोगों को देखने मिलेंगे, ये देखिए शायद ही नॉर्थ कोरिया से लोग आ रहे हैं यार यहाँ पे। और ये सामने है बॉर्डर सिक्योरिटी चेक और उसके बाद है नॉर्थ कोरिया भाई, क्या बात है। यहाँ देख सकते हो सारी फेंसिंग वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। मेरा ख्याल है आज से पहले ये कभी इंडियन से नहीं मिले, कभी भी इंडियन से नहीं मिले। मैं अपने होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा था, बोलती
ये पहली बार है कि मैं इंडियन से मिल रही हूँ। यहाँ इंडियन छोड़े, यहाँ बहुत सारे देश के लोग नहीं आए होंगे। जिंदगी में नहीं सोचा था कि भाई मैं नॉर्थ कोरिया के इतने नजदीक में आऊंगा। तो हम चलेंगे और भी चीजें आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई यहाँ देख सकते हो थोड़े चाइना के टूरिस्ट भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। और ये देख सकते हो कुछ ट्रक वगैरह खड़ी हुई है जो नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रही है। ये देखिए लाइन से जो ट्रक खड़ी है ये जा रही है नॉर्थ कोरिया की तरफ बॉर्डर क्रॉस करके। और वहाँ भी देख सकते हैं कुछ ट्रक खड़ी है जो सिक्योरिटी चेक वगैरह करवा रहे होंगे। और ऐसा कुछ माहौल है यार, एक छोटी सी दुकान भी है यहाँ पर, अगर नॉर्थ कोरिया के कुछ सुवीनियर वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यार आप लोगों को दिखाया था अभी मैं चेक पोस्ट के पास था, अब मैं नॉर्थ कोरिया के पास हूँ भाई, एकदम सामने ही है मेरे नॉर्थ कोरिया। अरे भाई सिक्योरिटी पर्सनल भी है। देखिए यहाँ सारा सुवीनियर रखे हुए हैं नॉर्थ कोरिया के और बायोनोकुलर्स लगे हुए हैं, आप नॉर्थ कोरिया देख सकते हो यहाँ से। और भाई झंडा दिख रहा है नॉर्थ कोरिया का यहाँ से। नॉर्थ कोरिया हेलो निहाओ निहाओ। चाइनीज वेरी सी नहीं हाँ। तो भाई बायोनोकुलर से देखने मेरा ख्याल है नॉर्थ कोरिया देर। तो भाई वीडियो तो बनाने लग रहा है मना कर रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बना रहा हूँ। ओके शीशे वीडियो तो ये यहाँ से देखना पड़ेगा लगता। और हाउ मच मनी अब बात है, इनके पास तो बायोनोकुलर्स है, टैक्सी ड्राइवर के पास बायोनोकुलर रखा हुआ है। क्या बात है, हम इससे देखेंगे यार। यार देखते हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ सामने। अरे भाई साहब ट्रक वगैरह दिख रहा है, पूरा ट्रक वगैरह दिख रहा है सब कुछ। साथ में कुछ थोड़े एक दो लोग भी दिख रहे हैं और वहाँ पर सारे कुछ काम चल रहे हैं वहाँ पर नॉर्थ कोरिया भाई। पूरे ये पूरा घर है वहाँ पर, पूरे वहाँ पर उनके घर वगैरह है। ट्यूमन रिवर है बीच में, ट्यूमन रिवर है, उसके बाद है नॉर्थ कोरिया। फेंसिंग लगा के रखे हैं ताकि भाई क्रॉस ना करे कोई और वहाँ से कोई ना आ पाए। और भाई क्या क्रेजी एक्सपीरियंस है यार, आप सारा पूरा घर वगैरह आप देख सकते हो यहाँ से। नॉर्थ कोरियन फ्लैग दिख रहा है यार सबसे मेन यहाँ पे, देखिए भाई सामने नॉर्थ कोरियन फ्लैग है, नॉर्थ कोरिया का फ्लैग बना हुआ है सामने। और ये सारे कुछ घर वगैरह है नॉर्थ कोरिया के, ये कॉलोनी आप लोगों को यहाँ देखने मिलेगी। देखिए पूरी कॉलोनी दिख रही है, मैं भी उससे देखा था दूरबीन से तो अच्छे से दिख रहा था। और ये सारे कुछ काम यहाँ काम वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप लोगों को दिखेंगे नहीं। ये है बीच में ट्यूमन रिवर और मैं खड़ा हूँ यहाँ चाइना में और वो सामने है नॉर्थ कोरिया। और ये रही ब्रिज अगर आप लोगों को बायलैंड क्रॉस करना है तो। यहाँ खरीदते हैं नॉर्थ कोरिया का कुछ सुवीनियर। हाँ नॉर्थ कोरिया नोट करेंसी, हाँ नॉर्थ कोरिया की नोट है भाई ये तो सारी। क्या बात है यार, 5,000 की है, 10,000 की नॉर्थ कोरिया की नोट है, 5,500, 200। और डू यू हैव फ्रिज नॉर्थ कोरिया, मैं इनको टाइप करके बताता हूँ। नो हाँ तो ये तो रशिया का दिख रहा है, रुस्की रूस। अच्छा तो यार रशिया के भी काफी सुवीनियर रखे हुए हैं यार, रशिया के कॉइन वगैरह आप देख सकते हो, लेनिन की फोटो लगी हुई है। हाँ भाई मिलिट्री वाले भी हमको बता रहे हैं। तो भाई रशिया का भी एक सुवीनियर ले लेते हैं। हाउ मच मनी मनी कुछ है तो 20 10 डिस्काउंट लेस एंड अच्छा तो ये पूरा सेट भी है आप देख सकते हो, चाबी वगैरह भी मिल जाएगी रशिया की। तो ये क्या, ये रशिया का सुवीनियर लेने लायक है। रशिया में हम पहुंचे नहीं, आगे थोड़ा सा रशिया है। 15 1 5 ओके 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 तो 15 में डील हो गई है रशिया का, ये लेते हैं यार। ये भी याद रहेगी कि भाई हम चाइना से, हाँ तो दोनों में ईद इस। और यहाँ पर छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं यार, ये काफ़ी लोग पहनते हैं चाइना में, मैं भी पहनता हूँ आप देख सकते हो, मैं भी पहनता हूँ लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में होता है। देखिए हम कहीं और से लेंगे। यहाँ परफ्यूम अतर वगैरह भी लगी हुई है, अरे भाई रशिया की अतर भी रखी हुई है यहाँ। 15 RMB का 15 ओके शेषे ओके शेषे ओके गुड शेषे। ऐसे मैं एक छोटा सा सुवीनियर भी ले लिया हूँ, आप सोच सकते हो चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर मैं रशिया का एक सुवीनियर लिया हूँ। तो चलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तोशे मतलब नॉर्थ कोरिया, ये रशिया नॉर्थ कोरिया। ये देखिए भाई ये नॉर्थ कोरिया और ये रशिया, मस्त सीन है यार। ये देखिए ये फेंसिंग देख रहे हो आप, ये नॉर्थ कोरिया की फेंसिंग है। और इधर जो फेंसिंग दिख रही है आप लोगों को ये रशिया की फेंसिंग दिख रही है। क्या बात है, देखिए ये फेंस सारे लगे हुए हैं।
देखिए पूरे रशिया में लिटरली थोड़ा सा एंटर होके निकले हैं, एकदम अलग सिचुएशन है। जो रोड है वो भाई चलते चलते आप चाइना से रशिया पहुंच जाओगे, फिर रशिया से चाइना निकल जाओगे, तो मिलते मिलते रोड जाता है। लेकिन यहाँ कुछ सिक्योरिटी चेक, बॉर्डर पोस्ट कुछ भी नहीं है भाई। लिटरली आप चाइना से रशिया के अंदर घुसोगे, रशिया से चाइना में निकलोगे वापिस, और कोई सिक्योरिटी चेक, कोई बॉर्डर पोस्ट नहीं, और ऐसा कुछ माहौल है भाई। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर काम चल रहा है कुछ केबल का। तो यार यहाँ तो बहुत सारे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, अगर आप लोगों को नॉर्थ कोरिया देखना है। देखिए सामने कम्युनिस्ट चाइना की साइन भी बनी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। बट ये वाला जो पॉइंट है इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सामने जो फेंसिंग लगी है ये आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया की है। ये बस इतना पार्ट है यहाँ से लेके बस यहाँ तक, ये चाइना का हिस्सा है। फिर उसके आगे आप देख सकते हो सामने फेंसिंग लगी हुई, ये है रशिया। तो बस समझ सकते हो ये 50-60 मीटर के बीच में जमीन बची हुई है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया के बीच में यहाँ पर यूएन ने एक पत्थर पे अपना बोर्ड बना के रखा हुआ है। ये देख सकते हो जो पहली लैंग्वेज लिखी हुई है ये लिखी हुई है चाइनीज में, दूसरी वाली जो लिखी हुई वो है कोरियन, और तीसरी वाली जो आप देख सकते हो ये है रशियन में। और इंग्लिश तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, यूएन वर्ल्ड पीस का सेंटर। और ये यहाँ बोर्ड लगाया गया था 1999 में अप्रैल 22 यूएन वर्ल्ड पीस सेंटर इनिशिएटिव कमेटी की तरफ से ये पत्थर लगाया गया था यार। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, अभी तक तो हम मेन जगह पे पहुंचे ही नहीं है जहाँ के लिए हम निकले हैं फंक्शन विलेज के लिए। उससे पहले इतनी सारी चीजें देखने मिल रही है, तो आप लोगों को बोला वो सारी चीजें भी दिखाते चलूं। हम जा रहे थे यहाँ से फंक्शन विलेज, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो ड्राइवर भाई थे बोले यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम है जिसमें सारी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड चीजें रखी हुई है, ओरिजिनल वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड चीजें, सारी ओरिजिनल सब रखी हुई है। अगर आपको विजिट करना है तो आप विजिट कर सकते हो। और तो मैं बोला भाई क्यों नहीं, क्योंकि भाई मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो दीवाना हूँ भाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत ज्यादा पसंद है। और आप लोगों को एक और छोटी चीज बता दूँ, ये जो एरिया है इसको मंचूरिया एरिया बोलते थे पहले जापान के टाइम पे, और इस जगह पे सारा जो रास्ता वो जापान का था उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और यहाँ बहुत ही बेकार इंसिडेंट किए थे जैपनीज लोग, बहुत सारे मैसेकर किए थे, बहुत सारे लोगों को मारे थे। और ये जो विलेज है फंक्शन विलेज, यहाँ पर जो जैपनीज मिलिट्री लीडर थे वो यहाँ रहते थे, और यहाँ बहुत सारी सोवियत की मीटिंग वगैरह हुई। तो हम चलेंगे भाई, देखते हैं भाई यहाँ क्या क्या देखने मिलता है। मैं यहाँ पर आया था घूमने, और मेरी जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं ना भाई, हिस्ट्री भी मिल रही है यहाँ पर और ज्योग्राफी भी देखने मिल रही है। तो अंदर चलते हैं, टिकट विकट देखते हैं। और यहाँ की टिकट ले लिए, टिकट तो मिली नहीं, सिर्फ पैसा लिए, 20 यूएन की टिकट मिली है। तो ठीक है यार, देखते हैं। यहाँ से देखिए एंट्रेंस है इधर पे, और यहाँ देखिए सारा कुछ। तो हम पहले म्यूजियम में घूमते हैं, फिर आप लोगों को ये मार्केट भी दिखाता हूँ, देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो चलते हैं पहले म्यूजियम में। जो सारी चीज़ मुझे पसंद है ना, आज मुझे सारी मिल रही है। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में सारी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं। मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है, और हिस्ट्री में अगर बात करें स्पेशली मैं वर्ल्ड वॉर टू में A to Z पूरा उसका स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा उसके बारे में पढ़ चुका हूँ। यहाँ तक कि उसके बाद जो ट्रायल्स हुए थे उसको भी मैं अच्छे से फॉलो किया, उसको भी अच्छे से पढ़ा। अगर आप लोगों को वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा मालूम होगा तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि एक लड़ाई हो रही थी वो यूरोप में हो रही थी, वो एक्सिस और अलायंस की जो लड़ाई हो रही थी वो एक यूरोप में हो रही थी, जिस जहाँ नाजी और अपना यूके, फ्रांस और सोवियत वाले लड़ रहे थे, और एक दूसरी जो लड़ाई हो रही थी वो इस तरफ हो रही थी जापान आर्मी और USSR से। और यहाँ कुछ अमेजिंग चीज़ें रखी हुई है भाई उससे रिलेटेड, जो देख रहे हो सोवियत बॉम्ब की कुछ शेल वगैरह रखी है, यहाँ सारा कुछ उनका सामान रखा हुआ है। और इधर देखिए भाई, यहाँ पर ये जो आप बॉटल देख रहे हो, मैं इसके बारे में अभी चाइनीज से ट्रांसलेट करके पढ़ाऊँ, ये जो बॉटल देख रहे हो ये सारी बॉटल भाई ऐसे लगेगी बियर की बॉटल है, लेकिन इसके अंदर ये जैपनीज आर्मी बॉम्ब रखती थी सोवियत उड़ाने के लिए। यहाँ एक मीटिंग हुई थी सोवियत और जैपनीज के बीच में, तो यही फंक्शन विलेज में वो मीटिंग रखाई गई थी। ये जो सारी चीज़ देख रहे हो ये देखिए, ये सारी कुछ सोवियत टैंक जो थी, जो जापानी आर्मी डिस्ट्रॉय कर दिए थे सोवियत टैंक्स को, ये उसका कुछ पार्ट है। इसे देखिए यहाँ पूरी रखी हुई है, क्या बात है यार, एक टाइम पे ये सोवियत टैंक में लगा होगा और जापानीज इसको डिस्ट्रॉय कर दिए, क्या यार, मतलब अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी। देखिए ये कुछ प्लेट रखी हुई है, और इस पे जो फ्लैग बना हुआ है, ये सारा कुछ बना हुआ है, ये मंचूरिया का फ्लैग इसको बोलते हैं, जो कि भाई आप लोगों को अगर मालूम नहीं होगा तो ये रीजन जिस वक्त मैं मौजूद हूँ इसको एक मंचूरिया बोलते थे जापान के टाइम पे। और इधर जो गवर्नमेंट थी वो पपेट गवर्नमेंट बैठी थी जापान की, और ये देख सकते हो सारी प्लेट वगैरह। और ये देखिए ये बैटल मैप है, इसको मैं भी ट्रांसलेट किया, ये जैपनीज बैटल मैप है। और ये हिस्ट्री वाला वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को कम से कम चीज़ें दिखा के यहाँ से हम निकलेंगे एक्सप्लोर करने कुछ और चीज़ें। तो देख सकते हो हम वहाँ म्यूजियम से निकले, और इस साइड कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है देखने के लिए। आप देख सकते हो ये एक मेमोरियल बना के रखे हैं, और ये जो चाइनीज में लिखा है इसका मतलब होता है कीप ह्यूमंस आउट ऑफ वॉर। और एक बच्चा दिखाता हूँ आप लोगों को, कितना ज्यादा प्यारा है। हेलो, निहाओ निहाओ निहाओ, बाय 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 बाय। देखिए म्यूजियम घूमने के बाद हम यहाँ से निकले हैं, और जैसे कि आप लोगों को बताया था यहाँ पर एक मार्केट रखी हुई है जहाँ पर रशियन सुवीनियर्स रखे हुए हैं। यहाँ देखते हैं कुछ लेने लायक रहा तो लेंगे हम। ये देखिए सारी रशिया की टोपी वगैरह रखी हुई है यहाँ पर, ये कुछ ज़्यादा ही रशियन सामान लग रहा है, ये सब नहीं देखेंगे। यहाँ भाई दारू भी रखी है रशिया की,
और भाई ये देखिए, ये कुछ डॉल है जो रशिया में बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी आप लोगों को यहाँ देखने मिलेगी। छोटी भी है, बड़ी भी है। तो यार यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल शहद रखी हुई है रशिया की, और इसका कलर देखिए भाई, व्हाइट पता नहीं क्यों है। मैं पूछा इसका रेट, ये देख सकते हो ये 2.5 किलो की है, ये मिल रही है 75 यूआन की, जो कि होते हैं तकरीबन 850 रुपए। तो 850 रुपया काफी ठीक है यार, मैं लेता हूँ, सोच रहा हूँ एक ले लूँ यार डब्बा। 1.25 किलो की है, देख सकते हो लिखा हुआ है 1250 ग्राम, रशिया की है भाई, वो भी व्हाइट कलर में। ये देखिए इधर भी बड़े डब्बे, इधर दूसरे डब्बे में रखी हुई है। ये डब्बे की डिजाइन काफी अच्छी लग रही है, और जो नीचे वाली देख रहे हो आप, ये 55 RMB की है, और ये 75 की है, ये तकरीबन 650 की है, ये तकरीबन 850 की है, काफी ठीक है यार। तो यार ये वाली एक निकालते हैं, लेते हैं भाई। 1 किलो की बोल रहे हैं 75 RMB की, थोड़ा सा डिस्काउंट मांगते हैं। दिस एंड ओके डिस्काउंट, तो भाई देखते हैं कितने का डिस्काउंट देते हैं। कितना बोल रहे हैं? 70 बोल रहे हैं, मैं इनको 60 बोलता हूँ। ओके ओके गुड 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 ओके 65 ओके ओके गुड 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 भाई 65 RMB में बात हो गई है। ओके तो भाई 65 RMB होता है 750 रुपए की 1 किलो ओरिजिनल शहद भाई, रशिया की, वो भी व्हाइट कलर की, काफी यूनिक लग रही है भाई, बोले ओरिजिनल है पूरी। तो लेते हैं यार इसको एक, गुड गुड। तो यार थोड़ा सा निगोशिएट करने के बाद अच्छे रेट में मिल गए हमको 1 किलो शहद। जहां हमको जाना है वहां तो पहुंच ही नहीं पा रहे, रास्ते में इतनी सारी चीजें आप लोगों को दिखा दिया। अब भाई पक्का आप लोगों को मैं अपने डेस्टिनेशन पे मिलता हूं, जहां हमको जाने का वादा किए हैं, फंक्शन विलेज। तो यार देख सकते हो हम फंक्शन विलेज पहुंच गए, यहां देख सकते हो काफी ज्यादा टूरिस्ट है यार, और सारे चाइनीज और कोई कंट्री के आप लोगों को यहां टूरिस्ट देखने नहीं मिलेंगे। और यहां देख सकते हो फंक्शन सीनिक टूरिस्ट सर्विस सेंटर, यहां से शायद टिकट लेना पड़ता है, तीनों बॉर्डर के जो पॉइंट है वो देखने के लिए यहां से टिकट लेना पड़ता है। तो देखते हैं भाई, यहां से हमारे ड्राइवर साहब अंदर गए हैं और अंदर का कुछ ऐसा माहौल है, यहाँ से टिकट लेंगे फिर हम चलेंगे भाई, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई क्या चीज़ है यार, मैं भी क्यूरियस हूँ जानने के लिए, मुझे भी ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। टिकट के सारे प्राइजेस भी यहाँ लिखे हुए हैं सारे चाइनीज में, हमको समझ में नहीं आएंगे, ड्राइवर चाचा हंस रहे हमारे। तो यार देख सकते हो टिकट ले लिए भाई, काफ़ी ज़्यादा महंगी मिली है, तकरीबन 78 यूआन की मिली है, जो होते हैं 850-900 रुपये भाई, 900 रुपये की टिकट मिली है। और ये बस हमको लेके जाएगी कहीं तो भी, हमारे ड्राइवर भाई यहीं पे रुक गए हैं, बस हमको एकदम कोने पे लेके जाएगी, यहाँ सारी कंट्रीज एक साथ दिखती है। टिकट छः छः, देखते हैं क्या देखने मिलता है, यहाँ पर बैठते हैं। The foreigner, we can't go there. So okay, okay, we have to get down here. We need to wait in 10 minutes after, okay? Okay, okay, okay. 你们去参观。यार जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा सीन, हम लोगों को भाई जाने नहीं दिया आगे, यहाँ पे उतार दिया। देख सकते हो ये पीछे रशिया और चाइना का बॉर्डर है, बॉर्डर के हम अंदर गए, वहाँ पे मुझे और इस लड़की को उतार दिया, क्योंकि भाई ये ऑस्ट्रेलिया से थी और मैं इंडिया से था, तो हम जो फॉरेनर है वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो उन लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पे उतार दिया। अच्छा हुआ मेरे साथ में भाई एक और फॉरेनर, तो भाई हम ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, जो चाइनीज है वो रशिया के अंदर जा सकते हैं, वहाँ अंदर जाके आराम से पूरा घूम घूम के आ सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है वो रशिया को देख सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते हैं। टावर है इसके ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से पूरा अच्छा व्यू मिल जाएगा, ये इस तरफ रशिया है उस तरफ नॉर्थ कोरिया है, तो पूरा अच्छा आप लोगों को व्यू देखने मिल जाएगा। वी हैव टू वेट हियर और वी कैन गो? ओके वी नीड टू वेट। ओके ओके तो यार हम लोग को बोले तो हैं यहाँ रुकना है, लेकिन भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर है, इतना भेदभाव कर रहे, आधे लोगों को रशिया घुमा रहे आधे लोगों को रशिया नहीं घुमा रहे, तो मैं जा रहा हूँ भाई, जाने दो, कौन बस के लिए रुकेगा, इस टावर के अंदर चलते हैं, छोड़ो चला। 850 रुपये की टिकट दिया हूँ मैं, यहाँ फिर टिकट लेना है क्या? देखते ये टिकट से काम चलेगा कि नहीं, टिकट लेना है। वही 78 यूआन की टिकट में काम चल रहा है सारी चीज़ों का। तो यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में फोटो वगैरह भी लगा हुआ है। तो भाई हम तो चलेंगे ऊपर, ऊपर ऊपर कहाँ से जाऊँ मेरे भाई, कहाँ से ऊपर जाऊँ? अच्छा यहाँ से लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ से ऊपर जाना है। तो देखते हैं भाई ऊपर से कैसा व्यू आता है, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये बहुत चिल्लाते हैं भाई चाइनीज, बहुत लाउड होते हैं, बहुत लाउड होते हैं। नहीं आओ, देखिए भाई चलते हैं इनके साथ में।
तो यार मुझे ऊपर आए तकरीबन हो गया 15 से 20 मिनट। पहले सोचा भाई मैं खुद अच्छे से देख लूं फिर आप लोगों को दिखाता हूं। भाई पूरी चीजें दिख रही है भाई, रशिया का ट्रेन स्टेशन से लेके नॉर्थ कोरिया के किसान वगैरह घर वगैरह सारी चीजें दिख रही है। आपको थोड़ी सी झलक दे देता हूं भाई यहां से, फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूं। ये देखिए सामने नॉर्थ कोरिया है, वहां से अच्छे से दिखेगा। और ये सारा कुछ ये सब रशिया है, वो सारा ट्रेन स्टेशन मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ भाई। सब दिख रहा है, डिटेल में दिख रहा है। और यहाँ देख सकते हो बायनोकुलर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो भाई लोग ज्यादा क्यूरियस है नॉर्थ कोरिया के लिए, देखिए नॉर्थ कोरिया की तरफ ज्यादा भीड़ लगी हुई है, रशिया को ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों कंट्री के झंडे बने हैं, ये देखिए नॉर्थ कोरिया का, ये चाइना का, ये रशिया का है, तीनों झंडे भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों को अच्छे से पहले नॉर्थ कोरिया दिखाता हूँ फिर रशिया दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया, चलिए देखते हैं भाई यहाँ क्या चल रहा है, जूम करते हैं अच्छे से। तो भाई पूरा कंप्लीट जूम कर दिया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ के घर वगैरह आप लोगों को देखने मिलेंगे। क्या बात है, ये देखिए भाई, ये देखिए यहाँ सारे घर दिख रहे हैं नॉर्थ कोरियन घर पूरे। और ये एक रोड भी दिख रहा है यहाँ पे, ये रही ट्यूमन रिवर और इसके आगे है नॉर्थ कोरिया। ये ओहो देखिए पांच पांच एक जैसे घर दिख रहे, क्या बात है यार। कुछ लोग क्यों नहीं दिख रहे, अभी मैं बायनोकुलर से देखा था भाई दिख रहे थे, अभी ऐसे नहीं दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक घनी बस्ती भी है, ये देखिए ये छोटा सा गांव भी है यहाँ पर, तकरीबन आप देख सकते हो 300-400 घर दिख रहे हैं यहाँ पर। भाई क्या हाल होगा उस तरफ वाले जाने भाई। भाई जैसा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, कुछ दिन में हम नॉर्थ कोरिया को भी एक्सप्लोर करेंगे यार। और आप थोड़ा सा इस तरफ आओगे तो यहाँ देख सकते हो ये एक ब्रिज बनी हुई है, और ब्रिज के इस तरफ है ये रशिया है, ये बीच में रशिया और नॉर्थ कोरिया फ्रेंडशिप ब्रिज है। और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि रशिया और नॉर्थ कोरिया का भी बॉर्डर मिलता है, 18 किलोमीटर तकरीबन ये बॉर्डर है, बहुत ही छोटा बॉर्डर है, लेकिन रशिया का बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से भी लगता है। तो हम चलते हैं, आप थोड़ा सा आप लोगों को रशिया का पार्ट दिखाता हूँ। ये है रशिया, और ये जो आप सामने ट्रेन देख रहे हो ये हरी वाली ट्रेन जो खड़ी हुई है, और इसका इंजन है, ये स्टेशन का नाम है खानसान स्टेशन, ये जो आखिरी स्टेशन है रशिया का। आप देख सकते हो भाई पूरा क्लियर रशिया का स्टेशन दिख रहा है, और वहाँ के कुछ घर वगैरह भी दिख रहे हैं देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो बड़ी सी लेक जो आप लोगों को दिख रही है ये भी रशिया के अंदर आती है। तो यार रशिया तो बहुत सारे लोग एक्सप्लोर किए हैं, रशिया तो हम आ जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है भाई वो इस पार्ट की है यार, नॉर्थ कोरिया की है। यहाँ बहुत सारे बायनोकुलर्स भी लगे हुए हैं, यहाँ बायनोकुलर से भाई क्या क्लियर दिख रहा है, लोग पूरे दिख रहे हैं भाई, किसान वगैरह दिख रहे थे अभी मैं देखा। और यून डालेंगे तो चलता है भाई, एक यून डालेंगे अगर, एक यून जो आप लोगों को मालूम है 11.5 रुपया होता है वो डालेंगे तो एक मिनट के लिए खुलता है, एक मिनट की 40 सेकंड के लिए खुलता है, मुझे मालूम नहीं। मैं दो कॉइन डाल के देखा, फिर से कॉइन डालते हैं और देखते हैं। बायनोकुलर से तो आप लोगों को दिखा नहीं सकता भाई, लेकिन आप समझिए पूरा इतना अच्छे से दिख रहा है ना भाई, मतलब वहाँ लिटरली लोग चलते फिरते हुए, गाड़ी की जा रही आ रही है, सारी चीजें दिख रही है। चाइना का जो मैप बना हुआ है उसके साथ फोटो खिंचाएंगे फिर नीचे निकलेंगे हम। यहाँ की भीड़ देख के मुझे लग रहा नहीं कि मुझे फोटो खिंचाने यहाँ पर मिलेगा, लाइन देखो यार, लाइन लगी हुई है लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा, मुझे खींचने नहीं दे रहे हैं। एक जा रहा है तो दूसरे इस तरफ से आ जा रहा है या फिर इस तरफ से आ जा रहा है। निकलते हैं अब यहाँ से, बहुत ज्यादा टाइम में रह लिए हैं। और यहाँ देख सकते हो बहुत सारे टूरिस्ट है भाई, चाइनीज टूरिस्ट, और बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं ये। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज देखने मिली है मुझे, जो चीज मैं कब से ढूंढ रहा था, यहाँ के फ्रिज मैग्नेट, नॉर्थ कोरिया के फ्रिज मैग्नेट। क्या बात है, ये देखिए नॉर्थ कोरिया के फ्रिज मैग्नेट भाई, ये तो कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में। ये पूछते हैं कितने का है, ट्वेंटी, तो भाई 20 युआन का बोल रहे हैं, देखते हैं ऑल। तो यार देख सकते हो इस तरफ के जो हैं ये है 15 के, और उस तरफ वाले 20 के हैं। तो यार मुझे यही अच्छा लगता है 15 वाला। यहाँ देख सकते हो तीनों देश के फ्लैग बने हुए हैं, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना, और लिखा हुआ भी है भाई हुनचुन, जो ये शहर का नाम है। तो ये ठीक रहेगा यार। तो यार मैं कितने टाइम से परेशान हूँ कि बोला भाई टाइम कुछ ज़्यादा फास्ट चले गया, 4:15 बज गए, और ये मेरी घड़ी में देखिए कितने बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं। फिर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मेरा टाइम जो है वो रशिया का टाइम कनेक्ट कर लिया, व्लादिवोस्तोक का मेरा टाइम चल रहा है भाई, और अभी मैं हूँ चाइना में। व्लादिवोस्तोक में बज रहे हैं 4:17 और हमारे यहाँ 2:17। क्या बात है, मैं कब से परेशान हूँ। तो आप लोगों ने कल देखा होगा सारा हमने एक्सप्लोर किया भाई, 3 कंट्री का बॉर्डर एक साथ आप लोगों को मैं दिखाया। इसके बाद मैं रिटर्न आ गया था होटल पे, क्योंकि भाई सेम चीज़ क्या दिखाऊं आप लोगों को। और ये कुछ है मेरी होटल, आप देख सकते हो, और यहाँ पर भाई सिर्फ 2 से 3 होटल है, और इस होटल के मैं दे रहा हूँ 5,000 दो नाइट के। और अभी मैंने सारा बैग पैक कर लिया, आप देख सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से चाइना के इस कोने से दूसरे कोने पे, तकरीबन 5,500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके मैं जा रहा हूँ शिनजियान रीजन में। उरुमकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी आप लोगों की, तो यहाँ से 5,000 किलोमीटर है और बहुत ही लंबा सफर होने वाला है। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा, कुछ आप लोगों ने अलग चीज और न्यू चीज देखी होगी, होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ।